व्हाट्सअप गाइस, बीबी की वाइंस चैनल पे आप लोग के लिए एक वीडियो है करियर टेंशन, तो उसके ऊपर हम रिएक्शन लेके आए हैं। काफी टाइम से डिमांड थी, करियर की टेंशन बहुत लोगों को होती है, तो टेंशन खत्म होना हो लेकिन वीडियो देख के एंजॉयमेंट पूरा आएगा। मुझे लगा कह रहा है करियर जरूर खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, एंजॉयमेंट मस्त आएगा। और ढिंडोरा ने हर जगह ढिंडोरा ऐसा पीट दिया भाई साहब, वो वेब सीरीज इतनी गजब है ना। अब तो लास्ट एपिसोड है और बहुत तगड़ा होगा वो एपिसोड मेरे हिसाब से, मतलब सब कुछ ट्विस्ट होगा बहुत तगड़ा। तो भाई चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी वीडियोस पे आप ढिंडोरा की जितने भी एपिसोड है सब पे रिएक्शन हमने दिया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और वीडियोस भी आप सजेस्ट करते हो, मूवी सीन्स भी आप सजेस्ट कर सकते हो जो आप चाहो, तो हम कोशिश करेंगे। रेडी, 1 2 3 एंड गो। I've never seen something like this. अच्छा, जब बाहर गया था, हाँ, पतला हाँ, बाहर गया था ना, वो उस टाइम पे बाहर गया था, यूएस गया था शायद, तब किया है बास्केटबॉल में। देख माहौल अलग ही होता है उस टाइम पे वहां पर। तो ये हुआ था, बहुत मजा आया होगा ना। हाँ यार, क्या स्पोर्ट है, मैं तो फैन हो गया जब से आया हूँ, तब से रोज सोनी सिक्स पे एक मैच तो देख ही लेता हूँ। हिंदी में आता तो और मजा आता मैच, आता है ना 10-3 चैनल पे हिंदी कमेंट्री के साथ। अरे वाह 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 वाह। अच्छा बेटा रुको, भुवन से बात करो, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। मुझे नहीं करनी बात, मुबारक दे दे। इस बात की खुशी हो रही है। अरे मैं कह रहा हूँ बात कर। हे यार, कांग्रेचुलेशंस, आई मीन बहुत कांग्रेचुलेशंस। बोल, बहुत बड़ी बात है ऐसी नौकरी लगना। And getting a job like this is a big deal. वो सब तो ठीक है, बोल, बहुत बड़ी बात है ऐसी नौकरी लगना। बड़ी बोला है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। And uncle auntie must be so proud, right? Yeah, yeah, मेरे पापा भी बहुत खुश हैं। हाँ, इसी चक्कर में 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया इन्होंने। पागल है क्या? हेलो, हाँ सुनो बेटा। अरे इसकी तो मजाक करने की आदत है यार। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे बारे में सुन के। इसी तरह फूलो और फलो और माँ बाप का नाम रोशन करो। मे यू रिजे एंड शीने, राइज एंड शाइन। ऊपर नाम पकड़ा करो आप। क्या हुआ है? मेरे कोई रिश्तेदार हैं, उनका बेटा आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कितने साल से था व्हीलचेयर पे? अबे मतलब जॉब लग गई उसकी। तो मतलब अंकल ऐसे कितनों की जॉब लगती है रोज? एग्जैक्टली 30 लाख की। 30 लाख? हाँ बेटा, साल का पैकेज लगाया उसका 30 लाख का। तुम लोग भी पढ़ाई ढंग से करो ताकि तुम्हारी भी नौकरी लग जाए। अंकल आप हमारी टेंशन मत लो, हम लाखों की बात नहीं करते, करोड़ों में सोचते हैं। हम कौन? हम दोनों। बेटा तेरे पापा का बिजनेस है तो तू सोच सकता है, इसका पापा मैं हूँ और मुझे सपने में भी 50 का नोट आता है। और तू भी ढंग से पढ़ना शुरू कर दे ताकि मैं भी लोगों को थैंक यू बोल बोल के थक जाऊँ। क्यों, आपको बर्थडे पे फोन नहीं आता क्या? Oh no. हाँ वर्मा साहब, अरे यार क्या जॉब लग गई रिश्तेदार के लड़के की, यार मेरा तो मन इतना खुश हो। कहाँ जॉब लगी उसकी मैच? पता नहीं यार, इन रिश्तेदारों ने दिमाग खराब कर रखा है। आज तक मेरे बर्थडे पे एक बार भी फोन नहीं किया, लेकिन अपने बच्चों की कामयाबी का ढोल पीटने के लिए फटक से फोन घुमा देते हैं। और मेरे माँ बाप भी इतने प्यारे हैं, इनको लगता है कोई हमारे साथ खुशियां बांट रहा है, लेकिन मुझे पता है वो इनडायरेक्टली ये जताना चाहते हैं कि देखो हमारे बच्चे कितने होशियार हैं और तुम्हारी औलाद कितनी निकम्मी। भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर घर एक मंदिर है तो रिश्तेदार चप्पल चोर है। No, you are in my country and I would love to host you tonight at 8. Okay, bye. मेरी पेरिस की एक दोस्त है, उसको 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखने हैं, तो मैं आज पहला वंडर दिखा रहा हूँ। ओहो, तो आगरा जा रहे हो ताजमहल देखने? ना, मेरे घर। पैंच इसको समझा यार, बेकार में फ्यूचर की टेंशन ले रहा है। डरू नहीं तो और क्या करूं, सारे कजिन्स की जॉब लग गई है और तलवार अभी से मेरे सर पे लटक रही है। तुझे पता है स्टीव जॉब्स, सचिन तेंदुलकर, पंकज आहूजा तीनों ड्रॉप आउट्स हैं। पंकज आहूजा कौन है? मेरा पड़ोसी। उसने कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की क्योंकि उसको कुछ हटके करना था, तो वो लोगों के पैसे बचाने में लग गया। रोज एसी में उठता बैठता है और उसके हाथ में पावर भी है। ऐसा क्या करता है? एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड है और लोगों के पैसों की रखवाली करता है। पूरा दिन एटीएम के एसी में बैठा रहता है और पावर के नाम पे बैंक ने बंदूक दे रखी है। तो क्या हुआ, बैंक कुछ हटके तो कर रहा है? फिर तो तू भी पब्लिक टॉयलेट के बाहर बैठा कर हर टट्टी पे 5 रुपए कमाएगा। मेंस टॉयलेट से बहुत बदबू आती है। हाँ, तेरे नुनू फिर तो जैसे गुलाब झड़ते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरा क्या होगा, बीकॉम करने की उम्र में brazzers.com कर रहा हूँ। लेटेस्ट वाली देखी? कौन सी? जिसमें सेक्रेटरी होती है। हो तक सीरियस डिस्कशन में कहां हवस की दास्ता सुना रहा है। और तुझे क्या करना है? मैं तो कुछ ऐसा करूंगा सारी दुनिया याद रखेगी। उधारी बुरी बात है। डीजे एंड रैपर। तू डीजे रैपर बनेगा? मैंने तो अपना पहला ट्रैक भी बना लिया है। क्या बना लिया ट्रैक? लिसन अप यो एवरी मदरफकर, सानी धापा इन द हाउस, योर डैड इज हियर। हाथ ऊपर, भोपड़ी के बैंक लूटने आए यार। कोऑपरेट करो यार।
ना मैं मेरा बन छोड़ दास, कॉलेज में पढ़ूंगा मैं बीए पास, बेस्ट ऑफ फोर सही रही तो इतिहास, कुछ भी नहीं हुआ तो सत्यानाश। मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे लैम्बोर्गिनी और जीटीआर, डूबती हुई लड़की को बचाता हूं ताकि दे सकूं उनको सीपीआर। रोज होंगी पारीज और वीडियो गेम्स, जो फीफा में हारा हो पप्पी शेम, रातों को बजेगा स्वालाला, लंच और डिनर में बिटू टिक्की वाला। दोस्त है मेरे दोनों निकम्मे, नालायक और निचले, एक लौंडिया के पीछे हो रहा फनी है, दूसरा वसंत कुंज का बग्स बनी है। इनमें से मैं ही हूँ एक हार्ट थ्रॉब, मेरे आने पे सब कटे, ओ माय गॉड, बच के रहना मुझसे सालो, क्या होना छे खूब बालो। क्या बात है, बनाया बढ़िया, लेकिन क्या हुआ बेकार राइमिंग थी ना, मस्त संत कुंज का बक्स बनी, वो तो ऐसी लाइन लिख दी थी बेटा, इफ तेरी खाले तार दूंगा, लाइन डिलीट कर। अबे पूरा प्रोफेशन डिलीट कर, क्या जीटीआर सीपीआर पागल है, तो फिर क्या करूं मैं। आर्कियोलॉजी ना भैया, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कर रही थी, क्योंकि उसकी आदत थी पुरानी बातें खोद के लड़ने की। सीए बन जा घंटा वैन च, अगर अभी पढ़ने बैठेंगे तो तेरे दादा बनने के अगले दिन तक एग्जाम ही दे रहे होंगे। मेरी बिल्डिंग में एक सीए रहता है, वो अपनी शादी से लेके आज तक 4 बार हनीमून पे जा चुका है, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मैंने कहा सही फैमिली प्लानिंग है वैन च, कहता नहीं यार वो तीसरे चौथे अटेम्प्ट में क्लियर करने की आदत नहीं है। लॉयर बन जाते हैं, इतना आसान नहीं है। अबे काला कोट पहन के दो झूठ यहाँ बोलने, दो झूठ वहां बोलने। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चल मैं डिफेंस लॉयर, तू अपोजिंग लॉयर और तू जज, ठीक है? कार्यवाही शुरू की जाए। इससे साफ जाहिर होता है जज साहब कि अनीता ने नशे की हालत में विक्रम के घर घुस के उसको अपने वश में करने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है वैंचो। ओवररूल्ड। विक्रम के लाख मना करने के बावजूद अनीता ने उसको उकसाया, जगह जगह लव बाइट दिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। अपनी सेक्सी अदाओं से विक्रम को टर्न ऑन करने की कोशिश की अनीता ने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। यहाँ तक कि विक्रम को उसके बिस्तर तक ले जाके जबरदस्ती उसकी बेल्ट खोल के। ऑब्जेक्शन योर। ओवररूल्ड। बड़े मूड की मां मैंने कर रहा, बाहर निकाले उसे, किसने लॉर बना दिया साला, मां का लॉयर। क्या चीटिंग कर रहा है यार, इससे भी भयानक होता है। चल इंडिया के दो सबसे बड़े लॉयर के नाम बता दे। अरशद वारसी। अबे फिल्म वाला नहीं तू, रहने दे। तुम लोग मेरे साथ काम करोगे, काफी इंटरेस्टिंग है। क्या तुम्हें तो पता है मेरे ग्रैंडफादर का स्ट्रिप क्लब है। हाँ, नग्न अवस्था स्ट्रिप क्लब। 50,000 सैलरी एवरी मंथ, 2 हॉलीडेज एवरी वीक, रोफ की पार्टी, बूफ एंड अ लॉट ऑफ एक्शन। क्या करना होगा बेचो? जो भी हॉट हॉट लड़कियां क्लब में आएंगी उनकी उल्टी साफ करनी पड़ेगी। ये दिन आ गए, इतनी पढ़ाई की एग्जाम में दूसरों की उल्टियां साफ करने के लिए। बेटा बबली सर का फोन आया है, कल मिलने के लिए बुला रहे हैं। क्यों? तुम दोनों ने एग्जाम में टॉप किया है। क्या भाई, ये कैसे हो गया? तो मैं क्या कह रहा था, वो उल्टी साफ करने के लिए अब हमें छोटी मोटी नौकरियां नहीं चाहिए, मेरा भी 30 लाख का पैकेज लगेगा। अबे स्टार्टअप खोलेंगे, करोड़ों की फंडिंग मिलेगी इन्वेस्टर्स से। नीचे से। अब आपकी छाती इतनी फूल जाएगी पापा, देखना बनियान की जगह ब्लाउज पहनोगे। नीचे से। इसी घर के ऊपर से मेरा प्राइवेट जेट निकलेगा। नीचे से। नहीं पापा, ऊपर से। तुम दोनों ने टॉप किया है, नीचे से। क्या बात है, क्या कल बबली सर ने बुलाया है? नहीं, फंडिंग लेंगे, राह चलते लोगों से लेना फंडिंग, एक एक दो दो रुपए की भीख मांगो कि सिग्नल पे। नहीं, 30 लाख का पैकेज लेंगे, हर जगह नाम डुबा रखा है मेरा। भाई उल्टी साफ करने के लिए हैंडल वाला पोछा देगा या बैठ के करना पड़ेगा? जो जो डिस्कशन हुआ ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, हर एक चीज, ये बात तो देखो वीडियो कहाँ से शुरू हुई, दूसरे देश से शुरू हुई वीडियो। और जिस तरीके से क्या बोलते भुवन भाई ने दिखाया ना वो माहौल, मेरे को लग रहा है ये तब की वीडियो जब अमेंडा सन्नी से भी मिला था अमेरिका में, हर एक चीज वीडियो तब की थी, बहुत पतला है ना। और प्लस जो शुरुआत हुई कि नौकरी लगी, 30 लाख का पैकेज लगा, मस्त वाला माहौल, कह रहे उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो ना, उसको बधाई तो दो, कह रहे इंग्लिश में दे रहे हैं, खुशी की बात है। फिर राइजे एंड शीने, राइजे एंड राइजे एंड शीने, फिर जो डिस्कशन चला कि मतलब वक्त, मतलब कैसे बदल रहे करियर, अच्छा ये नहीं बनना तो चल रैपर बन जा, रैपर नहीं तो लॉयर बन जाता है। इसको लॉयर किसने बनाया, पूरे मूड की वो करी बाहर निकाले से। जज भाई साहब पूरा इंटरेस्ट ले रहा है उस बातों के अंदर, बात के लॉयर जज पूरा इंटरेस्ट ले रहा है उन बातों के अंदर, जितनी बातें चल रही थी। ऑब्जेक्शन ओवर। जज कह रहा मुझे लास्ट तक पूरी बात सुननी है डिटेल में, हर एक चीज बारीकी से। अच्छा था कि प्लेन वो करेंगे नीचे से, नहीं पापा ऊपर से, नीचे से टॉप किया। और जो मेरे हिसाब से लास्ट में वो उसी नौकरी पर आ गया ना लास्ट में, कौन सा भाई वो उल्टी साफ करने क्लब में नौकरी लगी, सुंदर सुंदर लड़कियां जब आएंगी उल्टी कर तो उल्टी साफ करने की, मजेदार। और जिस तरीके से जो रैप था ना पूरा, वो बहुत मस्त तरीके से लिखा भाई, वो लिखने में बहुत बुद्धि का 100% इस्तेमाल लगाया। प्लस उसके साथ जो रैपिंग में जो जो वर्ड्स है ना,
जैसे वो समीर के लिए वो बग्स बनी यूज करा, मालवीय नगर का बग्स बनी, हर एक चीज बहुत सोच समझ के पूरा लिस्ट लिखा था। अगर आप बंदा अगर सुने रैप को तो उसमें बहुत सारे शब्द थे, राइमिंग थी, प्लस कई बार आजकल जितने गाने आ रहे हैं कई में मीनिंग नहीं होता, इसमें फिर भी मीनिंग थी यार। वो मैं भी लोगों को थैंक यू बोल के थकूं क्यों, आपको बर्थडे पे कॉल नहीं आते जब बोल नहीं रहा था। हाँ, मजेदार वीडियो थी और भुवन भाई का स्टाइल अलग है यार, मजेदार वीडियो थी। और अब ईगरली वेटिंग फॉर द 8th एपिसोड फाइनल फिनाले के लिए, डिंडोरा थर्सडे। तो भाई एक बार कमेंट में हो जाए, डिंडोरा ओपी और बीबी के वंस भाई ऑलवेज ओपी यार। और भाई मैं स्टेटस देख रहा था इंस्टाग्राम पे, वो स्पेन गए हैं किसी वर्क रिलेटेड काम से। हाँ, मैंने भी देखा था, ऑफ टू स्पेन। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।